देखिए इक्विलिब्रियम वेक्टर क्या था? व्हाट वाज इक्विलिब्रियम वेक्टर? देखिए इक्विलिब्रियम वेक्टर वो था, या कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स मोस्टली ये फोर्सेस के केस में यूज होगा, नेट फोर्स जीरो, दैट इज अगर मैं यहाँ एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ और एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ, और मुझे कहा गया है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मान लो ये फोर्स है 100 न्यूटन, ये फोर्स मुझे निकालनी है जिसका एंगल है 37 लेट, ये फोर्स भी मुझे निकालनी है जिसका एंगल है इधर 53, इसको मुझे इक्विलिब्रियम में, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होती है जब उसका नेट फोर्स जीरो, मतलब टोटल एक्स कंपोनेंट भी जीरो, वाई कंपोनेंट भी जीरो एंड जेड कंपोनेंट भी जीरो। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होती है जब उसके सारे कंपोनेंट जीरो। तो कंपोनेंट बनाना आ गया, तो फिर ये भी आ गया। देखो आप क्या करो, इस T1 के कंपोनेंट बनाओ, बताओ क्या बनेंगे, इधर क्या बनेगा? कोस 37 37 कोस इधर बनेगा T1 कॉस 37 37 थर्टी सेवन और इधर कितना बनेगा T1 T1 साइन 37। शाबाश। इधर क्या बनेगा बेटा? कॉस T2 कॉस 53 कॉस 53 और इधर क्या बनेगा? T2 साइन 53। कंपोनेंट हमने काफी अच्छे से पढ़ लिए थे, अब आपके पास ना इन फोर्सेस का रोल खत्म हो जाता है, जिसके आपने एक बार कंपोनेंट बना दिए, आपने इसके कंपोनेंट बना दिए ना, इसका अब रोल नहीं है कुछ भी, उसको मैं रब कर रहा हूँ। आप जिसके कंपोनेंट बना देते हो उसका रोल खत्म। अब आपके पास ये सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये फाइनल आपने इसको रिजॉल्व कर लिया, तो एक्स कंपोनेंट आपस में कैंसिल होने चाहिए, यस और नो? पहली इक्वेशन क्या बनेगी? T1 cos 37, cos 37 होता है 4/5, T2 cos 53 ये होता है 3/5। यहां से एक रिलेशन बन गया, T1 = 3/4 T2, बन गया ये रिलेशन। अब इसको इक्वेट करोगे, अब आप इक्वेट करोगे वाई कंपोनेंट्स को, ये दोनों वाई कंपोनेंट मिलकर इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर लिया करो, माइनस करने की बजाय ना माइनस करके फिर जीरो करोगे, आप यहाँ बैलेंस कर लिया करो, ऊपर वाले को नीचे से, लेफ्ट वाले को राइट से। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी 100 T1 cos 37, सॉरी ये आएगा T1 sin 37, sin 37 कितना होता है? 3, 3/5 और T2 के साथ आएगा 4/5, 5 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 3T1 + 4T2, क्या ये दो इक्वेशन अब सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हम यस सर कर सकते हैं ना, एक सम ट्राई करोगे सब बच्चे? yes, yes, sir. किसी को पूछना है इसमें? नहीं। no, sir. ओके no, sir. बिल्कुल कंसंट्रेट करना है बेटा, आप लोग ना जब कनेक्ट होते हो तो पूरी तरह से कंसंट्रेट किया करो। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक बॉडी ले लो आप पेंडुलम टाइप,
इस पे मैंने इधर फोर्स लगा दी एफ, और इधर इसमें टेंशन भी फोर्स ही होती है टी, और इसका वेट नीचे लगेगा, बॉडी का वेट नीचे लगेगा। मान लो इसका मास मैंने आपको दे दिया 50 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप 10 ले लो, तो वेट भी एक फोर्स ही होती है, वो किसके इक्वल होती है एम जी। अब ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल 37, और बॉडी इक्विलिब्रियम में, इधर से धागे को बांधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, एक स्ट्रिंग के अंदर फोर्स आ रही है टेंशन, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग धागे को बोलते हैं, स्ट्रिंग में जो फोर्स आती है उसको आप टी से डिनोट करते हो, टी फॉर टेंशन, और टेंशन भी फोर्स होती है, इसके यूनिट भी न्यूटन ही होते हैं, और इसके डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस टू। तो यहां पर मैंने टेंशन, फोर्स और वेट आपको बताना है कि व्हाट इज द टेंशन एंड व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यू मे स्टार्ट। बेटा मैं वीडियो ऑन करवा के चेक करूंगा इस बार क्या किया आपने, जिसका क्वेश्चन हो जाए वीडियो ऑन करके मुझे दिखा देना कैमरे के आगे करके, जिसका कैमरा काम नहीं करता पिक खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो, बट मुझे सभी बच्चों का अटेम्प्टेशन देखना है, हाउ टू अटेम्प्ट। सर हो गया, आंसर बोलो, दिखा दो मुझे बेटा, दिखा दो। ओके थोड़ा जूम कर दो ना, ठीक है बेटा आंसर बोल दो अपने आप, आंसर बोल दो। टेंशन इज इक्वल्स टू 625 न्यूटन और फोर्स इज इक्वल्स टू 375 न्यूटन। 375 क्या आंसर है? 375 यस्मीन का भी यही है। सभी बच्चे बताना एक क्वेश्चन का। सर आशी, हाँ बेटा बोलो आंसर। सर टी इज इक्वल टू 625 एंड फोर्स इज इक्वल टू 375। सेम आंसर है। यस सर। 325 या 375? 75 सर, 375। अच्छा, तीन बच्चों का होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से नेक्स्ट। विकास हो गया। सेम। यस सर। सर डन। नाम बोलो। सर अभी राज सेम आया। अभी सेम। सबका आंसर आना चाहिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सर देवांशी। देवांशी का भी सेम आंसर। सर यशिका। आदित्य। यशिका, देवांशी, आदित्य। सर आर्यन। प्रिया। प्रिया। चंदनी। यशिका। दिया। शी किया। आदित्य। सर दिया। दिया। सर विनीत। कौन? सर पारस। सर विनीत। पारस, विनीत, शाबाश। सर मैं, इसका आंसर नहीं आएगा मैं वीडियो ऑन करवा दूंगा उसका पूरे। टीशा। टीशा। सर आर्यन। आर्यन,
फिर चिराग चिराग सहर्षिता हर्षिता सकुहु रणदीप कौन रणदीप रणदीप एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अठारह 19 बच्चों का आंसर आया है। बाकी के बच्चों को ये माने कि नहीं हुआ उनका सच नहीं हाँ जिनका नहीं हुआ वो भी बोल दो कि नहीं हो रहा। पलक आपका यस सर हो गया यस सर। कोमल यस सर। कुसुम चलो एक बार मैच करो अभी भी कुछ बच्चों का नहीं हुआ। बेटे तो बहुत इजी वाला सम था इसमें तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है कंपोनेंट ही एक के बनाने हैं yes. बाकियों के बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप टेंशन के कंपोनेंट बनाओ। टेंशन के कंपोनेंट क्या बनेंगे एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। इधर कितना बनेगा टी कॉस 37 इधर बनेगा टी साइन 37। अब इसको बैलेंस कर लो वेट से। वेट कितना था देखना मास 50 लिया था क्या 500 ऊपर वाली फोर्स इससे बैलेंस हो रही है 500 से। यहां से टेंशन निकाल लो कितना बनेगा ये 625। ऐसे ही लेफ्ट साइड को राइट साइड से बैलेंस कर दो। टेंशन तो आपने निकाल ही ली एफ भी आपने निकाल लिया कितना बन गया सॉल्व करके 375 आंसर। क्या ये समझ में आ गया सबको क्या आपको कृतिका गर्ग आ गया सर। कुशल गोयल सर आ गया। मुस्कान आ गया सर। मान्या यस सर। महक यस सर आ गया। ओके महक मेहता ने अटेंड करी क्लास क्या आज यस सर रोज़ प्रतीक्षा के साथ है वो। ओके नेक्स्ट करो एक और क्वेश्चन करो। ये बॉडी है इसका मास है 10 किलोग्राम और जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेट हमेशा नीचे लगता होता है ये आपको पता ही है। एक फोर्स मैंने इधर लगा दी 100 न्यूटन की एक धागे से बांधा हुआ है। और एक इधर से भी आपने इसको ट्राई किया है। दो टेंशन आपको निकालनी है T1 और T2 जिसका ये एंगल तो है 53 और ये एंगल 37। यू मे स्टार्ट।
सर यस टी वन भी सर इतनी टी वन 125 और टी टू भी सर 125 नाम बताओ भव्य सर टी टू इज इक्वल टू 140 और टी वन इज इक्वल टू 20 द्वारा बोलना टी वन इज इक्वल टू 20 टी टू इज इक्वल टू 140 नाम बताओ सर नव्या तो बच्चे आंसर बताओ बेटा सर टी वन और टी टू की दोनों की 125 है सर क्या नाम है बेटा टी वन 20 एंड यहाँ किसका नाम आया था आदित्य सर आप बोलो बेटा आप क्या बोल रहे हो सर टी वन 20 एंड टी टू 140 नाम बोलो सर स्नेहा सर टी 120 और टी 140 पिंकी पिंकी सभी बच्चे करो बेटा सभी बच्चे करो फटाफट आंसर बोलो सर टी 120 टी 140 क्या नाम है यशिका लास्ट सेकंड्स है इतनी बड़ी कैलकुलेशन इसकी भी नहीं है इतना टाइम लगा रहे आप चलो चेक करो सब बच्चे वेट 100 टेंशन के टी वन के कंपोनेंट क्या बनेंगे सर टी वन 37 cos 37 और इधर क्या बनेगा टी वन साइन 37 साइन 37 टी टू कंपोनेंट बनाओ टी टू के इधर क्या बनेगा टी टू cos 37 एंड टी टू साइन 37 53 है बेटा जिसके कंपोनेंट बन जाते हैं उसका रोल खत्म हो जाता है जिसके कंपोनेंट बन गए ना इसका रोल खत्म सिमिलरली इसके कंपोनेंट बन गए इसका रोल खत्म अब आपके सामने जो दिख रहा है उसको चेक करो आपके सामने राइट साइड को किससे बैलेंस करोगे लेफ्ट साइड से आपके पास इक्वेशन बनेगी 100 टी वन साइन 37 टी टू साइन 53 ये मेरे पास बन गया 500 एक इक्वेशन बना दो दूसरा आप बैलेंस करोगे वाई एक्सिस पे यहां पर कितना बन रहा है टी वन कॉस 37 और यहां पर कितना बन रहा है टी टू
ये बनेगा 4t1 प्लस 3t2। क्या ये दो इक्वेशन आपकी बन रही है सबकी? यस सर। यस सर। उसके बाद तो बेटा आपको सिंपल दो वेरिएबल को सॉल्व करना है। जैसे सेम बनाने के लिए आप इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से किया तो ये बन गया 12t1 माइनस 16t2 माइनस 2000। इसको 3 से किया 12t1 प्लस 9t2 इक्वल टू 300। इनको माइनस कर दो, ये कट जाएगा, ये बनेगा 25t2 इज इक्वल टू माइनस 2300। मुझे आपका t2 गलत लग रहा है, मैंने तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं की ना, देखना एक बार। 12t1 माइनस 16t2 माइनस 5000 2000। इसको किया 12t1 9t2 सही किया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 25 इसके नीचे आएगा। क्या ये 140 पे जा रहा है? क्या आप लोगों ने 140 बताया आंसर, सॉरी 20 बताया, 20 पे तो नहीं जा रहा है, तो T1 ही निकाल रहा, T2 अच्छा, T2 140 बताया आप लोगों ने। 5 पे काटे इसको, 4 फिर 6, तो ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए 92। नवे चेक करना कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की कहीं? मुझे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही है बेटा, आप दोबारा से कनेक्ट करो बेटा, ये आ रहा है आंसर 92। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की कोई मैंने? सर आपने इधर 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया ऊपर इक्वेशन 2 में। अच्छा मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 500 आएगा यहाँ पे, यही मिस्टेक है बेटा, मेरी मिस्टेक है, मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, मैंने इसको 500 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया और उसको बना दिया 100। होना क्या चाहिए वहां पे 500। अब आ जाएगा आंसर, यहाँ देखिए ये वाला बनेगा 500। अब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 12t1 माइनस 16t2 माइनस 2000, और इसको 3 से करोगे तो 12t1 सेम बनाना होता है ना, पता ही होगा आप लोगों को ये, और इधर कितना बनेगा प्लस 1500। अब आप माइनस करो, ये बनेगा माइनस 25t2 और माइनस 3500। माइनस से माइनस काट दो, अब ये 140 पे कट जाए, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। 140 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, अंदर वाली में यहाँ कर दो बेशक, जैसे मैं यहाँ करता हूँ, ये कितना बनेगा 3t1 माइनस 140 को करेंगे तो कितना बनेगा 560, इधर कितना है माइनस 500, तो 3t1 उधर जाके 60 रहेगा, और t1 की वैल्यू क्या होगी 20 न्यूटन, न्यूटन में आंसर देना। क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। रिकॉर्ड करोगे क्या? यस सर। यस सर। करो एक और करो,
वन और टी टू निकाल लो। जैस्मिन का ये आंसर है। जल्दी जल्दी में किया बेटा, एक बार चेक कर लिया। सर हमें टी वन और टी टू दोनों निकालने हैं। टी वन इज इक्वल टू माइनस 60, टी टू इज इक्वल टू 120। टी वन इज इक्वल टू सर, टी वन इज इक्वल टू माइनस 60 एंड टी टू इज इक्वल टू 120। माइनस 60 यस सर। यस सर। और टी टू 120। यस सर। सर 120 यस। यस सर। सर विकास भी है। सर स्नेहा। सर विकास। सर चिराग यही आ रहा है। यस सर यही है। आदित्य। बारह सर यही आ रहा है। माइनस 60 आ रहा है सर पहले। क्या आ रहा है सबका? माइनस 60। यस सर। यस सर। यस सर। देखो यहाँ कंपोनेंट 200 के बनने थे। 200 cos 37 4 by 5 सर कनिका यही आ रहा है। वेरी गुड। 200 sin 37 वो होता है 3 by 5। अब जिसके कंपोनेंट बना लिए उसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म हो गया। अब आप इसको बैलेंस कर लो और अपना आंसर निकाल लो। आपका आंसर आएगा टी वन और उधर से 160 इज इक्वल टू 100 माइनस 60 तो आ गया माइनस 60 न्यूटन। और इधर से आपके पास टी टू क्या होगा 120 न्यूटन। ऑलमोस्ट सबका यही आंसर है। यस सर। अब एक चीज नोट करो सब लोग, स्टार लगा लो। टेंशन नेवर बी नेगेटिव। टेंशन इज सेल्फ एडजस्टिंग पुलिंग फोर्स। इट ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। It always greater or equal to zero. Sir, force negative हो सकती है, फिर tension क्यों नहीं हो सकती? Tension नहीं हो सकती, force negative हो सकती है। Tension जो होती है ना, वो tension आप apply नहीं करते हो। Tension आती है जब कोई body को आप किसी भी string के साथ attach करते हो, तो tension ऊपर की तरफ आती है। ये टेंशन कभी भी नीचे की तरफ नहीं हो सकती, इसलिए टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो ऑलवेज, वो कभी पुश नहीं कर सकती। जो फोर्स पुश ही नहीं कर सकती, अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। वो हमेशा ही ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी। नो डाउट इट इज ए फोर्स, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये हमेशा पुल करेगी। आप कोशिश करो, चलो एक बॉडी लो, उसके साथ एक रोप को बांध दो, क्या आप इसको पुल कर सकते हो बॉडी को रोप से? सोच के देखो। नो सर। आप पुल करोगे तो रोप के अंदर स्लैकनेस आ जाएगी, बॉडी तो नहीं पुल होगी। सॉरी, पुल तो कर सकते हो, पुश कर सकते हैं सर। हाँ, आप पुश नहीं कर सकते हो, आप पुल कर सकते हो। तो जब आप इस फोर्स की डायरेक्शन ही नहीं बदल सकते, तो ये फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर मुझे क्या आंसर देना चाहिए? मुझे ये आंसर देना चाहिए, इस फोर्स को फिर आपने जीरो करना है और कुछ नहीं करना।
ये फोर्स आपके पास जीरो रहेगी क्योंकि ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, नेवर बी नेगेटिव, एक्चुअली ये केस ही नहीं बनेगा जो मैंने तो फिर इक्विलिब्रियम में थोड़ा ना होगी सर। हाँ ये केस ही नहीं बनेगा और यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकती, वही कहने वाला हूँ बेटा मैं। अगर आपकी फोर्स नेगेटिव आ गई ना, टेंशन नेगेटिव आ गई जो हो नहीं सकता, तो फिर आप ये कहेंगे कि दिस बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नेगेटिव से पहले जीरो आता है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग का होना या ना होना एक ही बात है। जब ये स्ट्रिंग ही नहीं है तो उसकी टेंशन ही नहीं है कुछ भी, जब उसकी टेंशन ही नहीं है तो फिर तो ये दो फोर्सेस हैं, इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, बॉडी मूव करेगी करेगी। तो आप अपना आंसर देंगे टेंशन नेवर बी नेगेटिव, सो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। फिर आप टी टू भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो टी वन की हेल्प से निकलेगा। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो बच्चे कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं ना उनको, सभी बच्चे पढ़े कंसेप्ट को डिटेल में। फोर्सेस बहुत तरह के होते, देयर आर मैनी टाइप ऑफ फोर्सेस। अगले चैप्टर अपने फोर्स भी आने वाला है, न्यूटन लॉज, उसके अंदर टेंशन भी एक फोर्स है, बॉडी का जो वेट है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, इसको भी आप नेगेटिव नहीं कर सकते हो, टेंशन की भी आप डायरेक्शन नहीं बदल सकते हो। सिर्फ आप जो फोर्स मैकेनिकली अप्लाई करते हो अपने हाथों से, वो फोर्स को आप डायरेक्शन बदल सकते हो। ये दोनों फोर्सेस हैं, ये तो पुलिंग फोर्स ही है और ये भी पुल ही करती है अर्थ की सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करती है। तो अगर मैं चाहूँ वेट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं वो हो नहीं सकता बेटा, टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट कर दें वो हो नहीं सकता। इसलिए अगर किसी न्यूमेरिकल में टेंशन नेगेटिव आ गया तो आप ये समझ लें कि वो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस हो गई है। ऐसे से कुछ क्वेश्चन मैंने भेजने थे, मैं आप भेज दूंगा आपको बना के। आज का टॉपिक नोट करो, वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं लिखो, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। कंपटीशन वाले बच्चों ने ये कंपटीशन में पढ़ लिया टॉपिक। वेक्टर को आप दो तरह से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर वन, या मैं आपको जरा सा स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देर आर टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सेकेंड इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो। नोट कर लो बेटा, जिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिन्होंने कंपटीशन में नहीं किया वो नोट कर लें, कंपटीशन वाले बच्चों को आता ही। अब डॉट प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, जैसे ये एक वेक्टर है, इसके साथ डॉट लगा दोगे तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ये एक वेक्टर है इसके साथ क्रॉस लगा दोगे तो ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का अलग अलग मतलब है। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब इसकी इस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्शन नहीं बचेगी, ओनली मैग्नीट्यूड आएगा। ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड भी आएगा और साथ में डायरेक्शन भी आएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर ही होगा।
लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर नहीं होगा, स्केलर होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर अगर स्केलर और वेक्टर का आपस में प्रोडक्ट हो तो। हाँ, अभी हमारा टॉपिक का नाम क्या, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है ना, हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी वेक्टर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सिंपल, आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक ही चीज आंसर वेक्टर ही आएगा। जैसे मान लो एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k, मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 क्या हो गया स्केलर, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाए 6i, 9j, 12k। तो अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर से मतलब स्केलर से, नंबर्स आर स्केलर, अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड करते हैं तो हर जगह पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उस केस में ये क्या बन जाएगा 2/2 i कैप, 3/2 j कैप, 4/2 k कैप। लेकिन ये टॉपिक आज का नहीं है डिस्कशन में, आपने पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक के बीच में मैंने डॉट लगा दिया, एक के बीच में मैंने क्रॉस लगा दिया, इस पर डिस्कशन आने वाले दिनों में होगी। आज मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। तो मैं पहले डॉट प्रोडक्ट शुरू करूंगा, इसमें स्लाइड शो में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैं इससे नहीं शुरू कर रहा हूँ अभी, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट से। तो हेडिंग बनाओ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके थे, एक डॉट के साथ और एक क्रॉस के साथ। तो मैं डॉट आपको सिखाता हूँ। देखिए एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो बनाया गया वो बनाया ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी ए बी कॉस थीटा, ये आपको याद रखना, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड है 20, इनके बीच में एंगल दिया हुआ है 60, और मुझसे पूछा जाता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है बेटा, ए बी कॉस थीटा, ए और बी मैग्नीट्यूड होंगे 10 और 20, या क्रॉस निशान नहीं लगाएंगे, डॉट ही लगा लेंगे, या कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी मल्टीप्लाई होता है। और कॉस 60 कितना होता है 1/2, आंसर कितना आ गया 100, आंसर कितना आ गया 100। जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो डॉट प्रोडक्ट से तो आपके पास सिर्फ वैल्यू आएगी, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट इज इट्स नेम, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। करो बेटा एक डॉट प्रोडक्ट करो, एक वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड है 50, एक वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड है 30, इनके बीच में एंगल है 37, आप इसका डॉट प्रोडक्ट करो, पॉइंट का डॉट प्रोडक्ट, सर 1200 का 12 आएगा, 1200 50 30 cos 37 कितना होता है
फोर बाय फाइव ट्वेल्व हंड्रेड इट इज ट्वेल्व हंड्रेड समझ में आ गया सबको ये यस सर यस सर यस सर मैं डॉट प्रोडक्ट वाली स्लाइड खोल रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट हम बाद में करेंगे पहले डॉट कर लो शायद बना नहीं रहा कोई बात डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या करना है ए बी कॉस थीटा ये समझ में आ गया यस यस तो अब ये इसका फिजिकल मीनिंग क्या है डॉट प्रोडक्ट फिजिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकली हमें क्या डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी इनके बीच में एंगल है थीटा अगर मैं यहां से प्रोजेक्शन डालता हूँ प्रोजेक्शन मतलब शैडो ये वाला हिस्सा बनता तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर projection of one vector over another vector इसको आगे डिटेल में बताएंगे अभी सिर्फ इतना नोट कर लो कि projection का मतलब क्या है तो अगर आपके पास theta zero degree हो तो ये है पूरा का पूरा vector इसके ऊपर आ जाएगा तो कितना cover करेगा इतनी जगह cover करेगा maximum कब cover करेगा जब theta zero क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है ए बी कॉस जीरो वन होता है तो ए डॉट बी कब मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर पैरेलल डॉट कर ले पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और अगर थीटा 90 हो एक वेक्टर ऐसे मिनिमम उसकी जीरो बेटा मिनिमम नहीं जीरो जीरो से मिनिमम नेगेटिव होता है ओके सर अब देखो इसकी कोई शैडो नहीं बन रही इसके ऊपर अगर थीटा 90 हो ए डॉट बी जीरो होगा और अगर थीटा 180 डिग्री हो उस केस में ए डॉट बी माइनस ए बी के इक्वल होगा विच इज द मिनिमम वैल्यू दिस इज मैक्सिमम वैल्यू बाकी अलग अलग एंगल पे डॉट प्रोडक्ट अलग अलग होगा बेटा टाइम देखो कितना हुआ सर फोर मिनट्स लेफ्ट ओके तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको एक चीज मैं और बता देता हूं अगर मेरे पास वेक्टर की फॉर्म में दिया हो जैसे 2i 3j 4k i plus j plus 2k तो पहले तो आप ये देखो कि i डॉट i क्या होगा i और i के बीच में एंगल कितने हैं जीरो आई कौन है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन
अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ आई आई कॉस जीरो, तो ये वन इंटू वन इंटू वन वन ही बन जाए। आप लोग ये भी याद रखो आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इसकी वैल्यू वन हो। अब आप ही बताओ आई डॉट जे क्या होगा? जीरो। जीरो। के डॉट के क्या होगा? जीरो। जीरो। के डॉट आई क्या होगा? जीरो। जीरो। क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल 90 होता है, और डॉट प्रोडक्ट में जब कॉस 90 आएगा वो जीरो हो जाएगा। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो मैं आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा ट्वाइस आई डॉट आई, वो वन हो जाएगा, ये है ना आई डॉट आई वन, तो मेरा आंसर यहाँ पर टू आएगा। लेकिन जैसे ही मैं आई को इससे करूंगा जे से वो जीरो हो जाएगा, जब मैं इसको के से करूंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। यस और नो? फिर मैं जे को इससे करूंगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जब मैं जे को जे से करूंगा जे डॉट जे वन आ जाएगा यार, और तीसरी टर्म भी जीरो। जब मैं के को करूंगा तो जीरो जीरो फोर के डॉट के बनेगा, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। सिक्स वो एट आएगा सर, यहाँ पर कितना आएगा? एट। एट। अब देखो ये वन हो गया तो मेरा आंसर आ गया टू, ये तो जीरो है, ये वन हो गया थ्री, और ये कितना है? वन हो गया एट, तो मेरा आंसर कितना आ गया? थर्टी। तो बेटर ये नहीं है कि हम आई वाले को आई से ही कर लिया करें, जे वाले को जे से, के वाले को? यस सर। यस सर। बाकी तो जीरो ही होंगे, तो वहां हमारा टाइम भी सेव होगा। ये मैंने इसलिए सारा करवाया कि आपको समझ आ जाए। अब आगे से जब भी हम कल लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूंगा मैं। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है, वेक्टर के अंदर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2 प्लस 8 प्लस 12, आंसर 22। क्या ये वाली पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। इनको इधर करने से फायदा ही नहीं है, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बेटर है कि हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, और जो आई डॉट आई बनेगा वो वैसे ही वन होता है, J डॉट J बनेगा वो वन होता है, K डॉट K बनेगा वो वन होता है। तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा मेरा लेक्चर। आज आपको सिर्फ क्वेश्चन मैं इक्विलिब्रियम वाले भेजूंगा या कंपोनेंट वाले और इक्विलिब्रियम वाले, डॉट प्रोडक्ट के कोई क्वेश्चन नहीं भेजूंगा अभी, क्योंकि अभी टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं है, चल रहा है रनिंग में, तो कल फिर हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले। ओके बेटा, थैंक यू। बाय सर। सर। यस सर, जो आपने कल शीट भेजी सर, उसके आंसर भेज देना सर, कॉम्पिटिशनल वो करो। यस सर। क्वेश्चन। यस सर, फोर क्वेश्चन। ओके।